प्यारे बच्चों, 8th क्लास में चैप्टर 9 मेंसुरेशन का नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। क्यूबॉइड का वॉल्यूम, पहले हमने सरफेस एरिया किया था। वॉल्यूम होता है, जैसे ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइडल टाइप है, इसके बीच में जितनी जगह है उसे हम कह देते हैं इसका वॉल्यूम। ऐसे क्यूब, क्यूब की थ्री सभी एजेस इक्वल होते हैं। जैसे ये डाइस है, जितनी जहां पर ये प्लास्टिक लगी हुई है बीच में, दैट इज द वॉल्यूम। जितनी अंदर जगह घेरी होती है ना क्यूब के अंदर, जैसे ये प्लास्टिक लगी, दैट इज वॉल्यूम। ऐसे ही सिलेंडर है, सिलेंडर जैसे ये है, इसके बीच में जितनी भी जगह है, जितनी ये प्लास्टिक है, इसके बीच में जो पेस्ट लगा हुआ सारा टोटल इसके अंदर, दैट इज इट्स वॉल्यूम। अब इनके फार्मूले देख लेंगे। एक यूनिट देख लेते हैं, जो वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्यूबिक सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब भी लिख देते हैं, क्यूबिक मीटर भी हो सकता है, क्यूबिक मिलीमीटर भी हो सकता है, और मिलीमीटर क्यूब ऐसे, वन मीटर क्यूब भी ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे भी आपको अच्छा लगे। चाहे क्यूबिक मीटर लिख लो, चाहे मीटर क्यूब लिख लो, ऐसे यूनिट हम लिख सकते हैं। तो अब इनके फार्मूले देखते हैं। पहला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला था लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्योंकि ये जो फिगर्स है ना, दीज आर थ्री डिमेंशनल फिगर्स, तो एक फार्मूला था आपने ये याद रखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। जैसे ये बेस है ना नीचे, इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये क्या बन गया, एरिया। रेक्टेंगुलर टाइप है ना, और एरिया ऑफ द बेस हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी यूज करेंगे हम। आगे आगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। साइड को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच, तीन साइड बराबर हो गई है ना, लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट, तो सभी को एल एल लिखेंगे तो एल क्यूब बन गया, तो ये साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो आगे नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, जो सिलेंडर है जो एरिया ऑफ द बेस, ये बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम हाइट से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसे ऐसे भी याद रखेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों ही अच्छी तरह याद रखने हैं बच्चों। जो लिक्विड वस्तुएं होती है ना, जितनी भी, जैसे कैरोसिन ऑयल देखते हो, पेट्रोल हो, मिल्क हो, तो उनको लीटरों में मापते हैं। तो लीटर को कई बार हमारे पास यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, मिलीमीटर क्यूब में, उसको हमें लीटरों में भी बदलना पड़ता है, तो ये भी याद रखना। 1 मिलीलीटर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, और 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। ये यूनिट जरूर याद रखने आपने। तो ये एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हैविंग डिमेंशंस, इसमें तीन पार्ट है। लो जे लेंथ है, जे ब्रेड्थ है, जे हाइट है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना, तो एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये फार्मूला लगा देना, 4 × 3 × 5, इनको मल्टीप्लाई किया और 5×15 = 64 मीटर क्यूब बन गया। ऐसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इसका भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल इंटू बी इंटू एच, 12 × 8 × 10, 12 × 96 960 cm³। ऐसे थर्ड पार्ट है, इसकी लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, जहां थोड़ी प्रॉब्लम बन गई, ये मीटर में है, ब्रेड्थ मीटर में है, हाइट भी 3.4 मीटर है, ब्रेड्थ 2 मीटर है, ये सेंटीमीटर के मीटर बना लो आप। 1.5 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ आगे 1.5/100 × 2 × 3.4, इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, जी आ गया 1020/100। अब इसका डेसिमल लगा लो, दो अंक छड के, एक दो जहां चल जाएगा, ये बन गया 0.1020 m³। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.102 m³। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग एजेस, वो तीन पार्ट है, तो साइड इसमें 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब होता है, साइड है 6 का क्यूब, 6 × 6 × 6, 6 × 36 = 216, 216 cm³ वॉल्यूम आ गया क्यूब का।
यहाँ साइड 12 है, तो अब वॉल्यूम क्यूब साइड का क्यूब, साइड 12 है, 12 का क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू 12, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये देखो बारह बार 144 को 12 से मल्टीप्लाई, 1728 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया क्यूब का। अब साइड 1.5 मीटर है, तो साइड 1.5 मीटर वॉल्यूम ऑफ साइड का क्यूब 1.5, ये बन गया ना 1.5 का होल क्यूब, तो इसे तीन बार लिख लो, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, 15 × 15 = 225, डेसिमल निकाल के गुणा कर लो, फिर 15 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बने 3375। अब लगाना डेसिमल, एक डेसिमल है, जे दो डेसिमल, तीन डेसिमल, कितने कितने डिजिट उनको गिन लो, एक दो तीन डिजिट छोड़ के लगा, तो तीन डिजिट छोड़ के लगा दो, 1 2 3, राइट साइड से छोड़ने हैं, ये बन गया 3.375 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 9.5 का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड हुज एरिया ऑफ द बेस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ये भी हमने फार्मूला मैंने बताया आपको, एरिया ऑफ बेस है 24 सेंटीमीटर के, जो बेस है नीचे वाला इसका एरिया दिया हुआ है सारा बेस का, अगर ऐसे बनाए ना तो वो 24 सेंटीमीटर क्यूब हाइट है, एच जो हाइट दी हुई है, जहां तक 3 सेंटीमीटर है, जो फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट 24 × 3, इसे मल्टीप्लाई गया 72 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्वेश्चन नंबर 4, बाय डबलिंग द ईच साइड ऑफ द क्यूब, जहां ईच भी होना चाहिए ना, ईच साइड में ना हर एक साइड को डबल कर दिया, हाउ मेनी टाइम्स इट्स सरफेस एरिया बिकम्स, बी पार्ट है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा अगर डबल कर दिया जाएगा इसका हर एक एज को, तो मान लो ये फिगर है, पहले इसकी जो एजेस है एल है सभी, तो इट्स इसका सरफेस एरिया बन गया, इट्स सरफेस एरिया कितना बन गया 6L² हमने मान लिया ना, लेट ईच साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल, इट्स सरफेस एरिया बन गया 6L², ये हमने फार्मूला किया, हम डबलिंग इट्स ईच साइड देन ईच साइड, फिर कितनी बन जाएगी 2L बन जाएगी ना, जैसे जी अब कितनी बन गई 2L, ये सभी साइडें कितनी बन गई 2L, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बन गया 6 × अब साइड है 2L, 2L का होल स्केयर, इसको होल स्केयर करोगे 6 × 4L², इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हो आप, 4 × 6 = 6 × 4 होता है, एक ही बात होती है, तो हम इसे क्या कर लिखेंगे 4 × 6 लिख देते आगे पीछे करके, 4 × 6L² है, जो 6L² है ये क्या सरफेस एरिया ऑफ जो पहला क्यूब था इसका, इंटू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ ईच साइड एल, जिसकी साइड प्रत्येक साइड कितनी थी एल, तो कितने गुना बढ़ गया सरफेस एरिया 4 times, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 4 times, 4 गुना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। वॉल्यूम देखते हैं, बी पार्ट ये था, अब बी पार्ट में उसने वॉल्यूम पूछा कितना बढ़ेगा, लेट ईच साइड ऑफ क्यूब एल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये एल क्यूब होता साइड का क्यूब, यही फार्मूला है, ऑन डबलिंग इट्स ईच साइड देन ईच साइड किसके बराबर हो जाएगी 2L, L थी पहले अब डबल कर दी 2L, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2L का होल क्यूब, तो अब इसको तीन बार लिखो 2L × 2L × 2L, 8L³ बन गया, 8 × जे L क्यूब किसके बराबर है जो पहला वॉल्यूम था जे वाला, तो उसे हमने V लिखा, तब तभी मैंने जहां V लिख दिया जे वी, वी मतलब वॉल्यूम, तो कितने गुना बढ़ गया 8 गुना बढ़ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 8 times, 8 times वॉल्यूम जो क्यूब का बढ़ गया है।